Hey guys, welcome to my channel Computer Science World. So we are starting the series of computer organization and architecture today. So in this series, first topic is representation of information. So in unit 1, our first topic is representation of information. In this, there are total 4 units, and fourth unit is of peripheral devices and pipelines, etc. So उसकी फोर्थ यूनिट की जो लेक्चर्स वीडियो है, प्लेलिस्ट है, वो मेरे चैनल पे ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं. फर्स्ट 3 यूनिट्स नहीं है इसमें, तो फर्स्ट 3 यूनिट्स मैं आपको करवा दूँगी धीरे धीरे, ठीक है, टॉपिक वाइज. तो उस जो फोर्थ यूनिट की प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट का नाम है इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन, तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं. मैं ये वाली जो आज मैं लेक्चर बना रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ, ठीक है, ये वाला भी मैं उस प्लेलिस्ट में ऐड कर दूँगी, और उस प्लेलिस्ट का नेम चेंज करके कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर कर दूँगी, ठीक है. तो आप सारी वीडियो उसी प्लेलिस्ट में चेक करते रहना, ठीक है. तो ये लेक्चर फर्स्ट है फर्स्ट यूनिट का, ठीक है, और वो फोर्थ यूनिट के लेक्चर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड अप टू 10 तक है, ठीक है, तो आप लोग चेक कर लेना. तो स्टार्ट करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन. सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन फर्स्ट पार्ट कह सकते हैं यूनिट का है ये. इसमें क्या क्या आता है, नंबर सिस्टम है, फिर उसके बाद करेक्टर कोड्स और इंटीजर एंड फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, ठीक है, ये सब आता है इसमें, ठीक है. तो स्टार्ट करें. कंप्यूटर डज नॉट अंडरस्टैंड ह्यूमन लैंग्वेज. एज वी ऑल नो दैट कंप्यूटर डज नॉट अंडरस्टैंड ह्यूमन लैंग्वेज. एनी डाटा फेड टू कंप्यूटर शुड बी कन्वर्टेड टू मशीन लैंग्वेज. जो भी डाटा हम कंप्यूटर में इनपुट देते हैं, फेड करते हैं, शुड बी कन्वर्टेड टू मशीन लैंग्वेज फर्स्ट. तो वो कंप्यूटर क्या करता है, उसको पहले मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ठीक है. कंप्यूटर रिप्रेजेंट डाटा इन द फॉलोइंग 3 फॉर्म्स, ठीक है, 3 फॉर्म्स में वो डाटा को रिप्रेजेंट करता है. वो 3 फॉर्म कौन कौन सी हैं, वो हम देखने वाले हैं हम, ठीक है. फर्स्ट है नंबर सिस्टम. तो नंबर सिस्टम में क्या होता है गाइस, टू अ कंप्यूटर एवरीथिंग इज अ नंबर, ठीक है. कंप्यूटर के लिए हर एक चीज़ क्या है, नंबर है, चाहे वो अल्फ़ाबेट हो, चाहे वो पिक्चर्स हो, चाहे वो साउंड हो, चाहे वो कुछ भी हो, वो नंबर ही है उसके लिए, ठीक है. नंबर सिस्टम इज़ कैटेगराइज्ड इनटू 4 टाइप्स. नंबर सिस्टम जो है हमारा, वो 4 टाइप्स में कैटेगराइज्ड है. सबसे पहले आता है हमारे पास बाइनरी नंबर सिस्टम. बाइनरी नंबर सिस्टम क्या कंसिस्ट करता है, कंसिस्ट ऑफ ओनली सिर्फ 2 वैल्यूज़ को कंसिस्ट करता है, दैट विल बी आइदर 0 और 1, ओके. फिर आता है हमारे पास ऑक्टल नंबर सिस्टम. सेकेंड, ऑक्टल नंबर सिस्टम नाम से ही पता चल रहा है, ऑक्टल है तो कितनी वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा, 8 डिजिट वाली वैल्यूज रिप्रेजेंट करेगा. वो 8 डिजिट कौन कौन से होते हैं, 0 से स्टार्ट होके अप टू 7 तक हमारे पास 8 डिजिट हो जाते हैं, ठीक है. नेक्स्ट है हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम. डेसिमल नंबर सिस्टम कितनी वैल्यू रिप्रेजेंट करेंगे, ऑब्वियसली बात है 10 ही करेंगे, तो इसमें 10 डिजिट्स आ जाते हैं हमारे पास, और वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 0 से और 9 तक, ठीक है. तो ये 10 वैल्यूज़ होती हैं. नेक्स्ट है हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम. हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कितनी वैल्यू रिप्रेजेंट करेंगे, 16 डिजिट वैल्यू रिप्रेजेंट करेंगे. उसमें हमारे पास क्या क्या आते हैं, 0 to 9 एंड ए टू एफ, ओके. सो ये था नंबर सिस्टम. उसके बाद हमारे पास आते हैं इसी में ही बिट्स एंड बाइट्स, जो सिस्टम अंडरस्टैंड करता है. अब बिट क्या होता है ये पता होना ज़रूरी है, ठीक है. बिट इज़ अ स्मॉलेस्ट पॉसिबल यूनिट ऑफ डेटा. सबसे छोटी यूनिट जो होती है सिस्टम की, डेटा की, उसको हम क्या कहते हैं, बिट. ए बिट इज़ अ स्मॉलेस्ट पॉसिबल यूनिट ऑफ डेटा दैट ए कंप्यूटर कैन रिकॉग्नाइज और यूज़. जो कंप्यूटर रिकॉग्नाइज करता है और यूज़ करता है. कंप्यूटर यूजली यूजेस बिट्स इन ग्रुप्स, ठीक है. कंप्यूटर जो है वो बिट्स को कैसे यूज़ करता है, ग्रुप्स में, क्योंकि बिट्स का जो ग्रुप है वो क्या बनाता है, बाइट बनाता है, ठीक है. तो इसलिए वो बिट्स को किस में यूज़ करता है, ग्रुप्स में यूज़ करता है, ठीक है. तो आगे चलते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास बाइट. तो बाइट क्या होता है, ग्रुप ऑफ 8 बिट्स. मीन्स जब 8 बिट्स कंबाइन हो जाती हैं तो हम उसको क्या बोल देते हैं, बाइट बोल देते हैं. और 4 बिट को, मीन्स हाफ ए बिट, हाफ ए बाइट मतलब कितना हो गया, 4 बिट हो गए ना, तो उसको हम क्या कहेंगे, निबल,
ठीक है। तो 4 बिट है तो वो क्या है, निबल, और 8 बिट है तो वो क्या बन गया, एक बाइट बन गया। ठीक है, अब 1 बाइट में कितनी बिट्स होते हैं, 8 बिट्स होते हैं। 1024 बाइट किसके इक्वल होता है, 1 किलोबाइट के, और 1024 किलोबाइट किसके इक्वल होता है, 1 मेगाबाइट के। 1024 मेगाबाइट किसके इक्वल होता है, 1 गीगाबाइट के, और 1024 गीगाबाइट किसके इक्वल होता है, 1 टेराबाइट के। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन सी चीज़ें हैं जो आपको माइंड में रखनी है। ओके, सो नेक्स्ट जो इसमें हमने बोला था कि हम डेटा को जो 3 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं सिस्टम में, रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे ना डेटा की, ठीक है। तो फर्स्ट हमने नंबर सिस्टम कर लिया था, सेकंड जो हमारे पास आ रहा है वो है इंटीजर एंड फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, इंटीजर रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, इंटीजर्स आर होल नंबर्स, ठीक है, और फिक्स्ड पॉइंट नंबर्स। इंटीजर्स को हम क्या बोल सकते हैं, या तो वो क्या है, होल नंबर, या फिर हम बोल सकते हैं कि वो क्या है, फिक्स्ड पॉइंट नंबर्स हैं। कंप्यूटर यूज़ ए फिक्स्ड पॉइंट, फिक्स्ड नंबर ऑफ बिट्स, कंप्यूटर क्या यूज़ करता है, फिक्स्ड नंबर ऑफ बिट यूज़ करता है टू रिप्रेजेंट एन इंटीजर, इंटीजर को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, द कॉमनली यूज बिट्स लेंथ फॉर इंटीजर आर, मीन्स जो बिट लेंथ यूज करी जाती है सिस्टम के द्वारा इंटीजर के लिए, वो क्या कितनी होती है, या तो वो 8 बिट की होगी, या 16 बिट की होगी, या 32 बिट की होगी, या फिर 64 बिट होगी लास्ट। ओके, देयर आर टू रिप्रेजेंटेशन स्कीम्स फॉर इंटीजर, इंटीजर को हम 2 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक होता है अनसाइंड इंटीजर और एक होता है साइंड इंटीजर। ठीक है, तो अनसाइंड इंटीजर में क्या होता है, अनसाइंड इंटीजर क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं, वो जीरो और पॉजिटिव इंटीजर रिप्रेजेंट करते हैं सिर्फ। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम साइंड इंटीजर में क्या क्या होता है। साइन इंटीजर कैन रिप्रेजेंट पॉजिटिव भी, जीरो भी, और नेगेटिव भी, ये तीनों चीज़ें रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास आता है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रिप्रेजेंटेशन। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर कैन रिप्रेजेंट अ वेरी लार्ज और अ वेरी स्मॉल पॉसिबिलिटी वैल्यू, या तो लार्ज वैल्यू या फिर स्मॉल बट पॉजिटिव वैल्यू। ओके, द नंबर 55.66 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 5.566 × 10⁻¹। ठीक है, या फिर हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं 0.5566 × 10⁻², या फिर हम इसको एक डिजिट और आगे ले जाते हैं 0.05566 × 10⁻³। ठीक है, तो ऐसे हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, सो इसमें हमारे पास नेक्स्ट आता है करेक्टर कोड्स, जो हमारे पास थर्ड रिप्रेजेंटेशन है। इसमें क्या होता है, करेक्टर कोड्स कैन बी फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स, लेटर एंड न्यूमरल्स, इन तीनों की हेल्प से फॉर्म किए जाते हैं, सिंबल्स, लेटर और न्यूमरल्स की हेल्प से। ठीक है, बट दे कैंट बी यूज इन कैलकुलेशन, बट वो कैलकुलेशन में यूज़ नहीं किए जा सकते। इसमें सबसे फर्स्ट जो होता है हमारे पास, जो आपके सिलेबस में है, वो 2 चीज़ें हैं, एक है ASCII कोड और एक है हमारे पास EBCDIC कोड। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें हम आप पढ़ने वाले हैं। सबसे फर्स्ट है ASCII कोड। ASCII कोड में क्या होता है, ASCII कोड कैन बी यूज्ड फॉर नंबरल्स लाइक फोन नंबर्स, सोशल सिक्योरिटी नंबर, ASCII टेस्ट कंटेन्स प्लेन और अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट। ठीक है, दिस टाइप ऑफ फाइल विल बी सेव्ड इन ए टेक्स्ट फाइल फॉर्मेट विच कंटेन्स ए नेम एंडिंग विद .txt, मीन्स ASCII टेक्स्ट को हम कैसे सेव कर सकते हैं, एक्सटेंशन क्या है .txt। ठीक है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड, इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो क्या है, ASCII की, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज इज एन, किस लिए यूज़ होते हैं, इंफॉर्मेशन इंटरचेंज के लिए, और ये क्या है, एक 8-bit कोड होता है दैट स्पेसिफाइज करेक्टर वैल्यू फ्रॉम 0 to 127। ठीक है, जो करेक्टर वैल्यू कहाँ से कहाँ तक स्पेसिफिक करता है, 0 to 127 के बीच में। ओके, तो ASCII की हमारे पास टेबल है जो आप थोड़ी बहुत याद कर सकते हो, आपको जहाँ तक होती है, बट एक एग्जाम्पल देना टेबलर फॉर्म में थोड़ा ज़रूरी है, तो ये आपको लिख के आना है एग्ज़ाम में। ठीक है, आप 4 तक लिख सकते हो, 5 तक लिख सकते हो, जहाँ तक भी लिख सकते हो, बट थोड़ा बहुत ये लिखाना। ठीक है, ASCII कोड एंड डेसिमल वैल्यू और करेक्टर में इसको हम क्या बोलते हैं। ठीक है, तो ASCII कोड अगर हमारे पास होगा 8 times 0, तो उसकी डेसिमल वैल्यू क्या होगी, 0, और करेक्टर में हम उसको क्या बोलेंगे, नल प्रॉम्प्ट। ठीक है, फिर क्या है, 0000001001। ठीक है, तो इसको हम डेसिमल वैल्यू 1 होगी इसकी, और इसको क्या बोलेंगे करेक्टर में, स्टार्ट ऑफ हेडिंग। ठीक है, नेक्स्ट है 0000010। ठीक है, इसकी डेसिमल वैल्यू होगी 2, और इसको हम बोलेंगे स्टार्ट ऑफ टेक्स्ट।
ठीक है। तो ऐसे ही मैंने अप टू 10 तक यहाँ पे कर दिए हैं, अब देख लेना आपको जहाँ तक भी लिख के आने हो। ओके तो ये थी ASCII कोड टैबलर फॉर्म में। ओके तो नेक्स्ट हमारा है, सो नेक्स्ट इज EBCDIC कोड। तो EBCDIC कोड का मीनिंग क्या है? एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड इज अ 8-bit कोड। ये भी ASCII कोड की तरह एक 8-bit कोड भी है, जो वो कितनी वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा था, 127 तक, ठीक है। और इसमें कितनी रिप्रेजेंट होंगी, विच मीन्स 2^8 इज इक्वल टू 256 वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग डिजिट, इसमें 256 है, ठीक है। अल्फाबेट्स एंड स्पेशल सिम्बल्स। EBCDIC इज एन 8-bit कोड, इट कैन बी डिवाइडेड इंटू 2 4-bit ग्रुप, ठीक है। ASCII को जैसे हमने 4-bit के 2 ग्रुप में डिवाइड किया हुआ था, सेम वे में EBCDIC को भी हमने डिवाइड कर रखा है, ठीक है। इसका भी अभी नीचे हम टेबलर फॉर्म देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ईच ऑफ दिस 4-bit ग्रुप रिप्रेजेंटेड बाय हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। तो स्पेशल करेक्टर अगर हमारे पास A होगा तो इसकी EBCDIC कोड क्या होगा, 1100001, ठीक है। बी होगा तो 1100010, सी होगा तो 1100010, डी होगा तो 1100010, ई होगा तो 1100011, एफ होगा तो 1100010, ठीक है। तो ये इसकी टेबुलर फॉर्म थी थोड़ी सी, ठीक है। तो आज हमने देखा रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट जो था आपकी फर्स्ट यूनिट का वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में हम सेकंड पार्ट जो है आपकी फर्स्ट यूनिट का वो स्टार्ट करेंगे, और उसके टॉपिक्स थोड़े बड़े बड़े से हैं, तो हम वन बाय वन हर एक लेक्चर में एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ, सब्सक्राइब कर दें चैनल को, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, थोड़ा सा सपोर्ट करो प्लीज़ गाइस, थैंक्स अ लॉट।